हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर। मैं बुगु लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। साते नाम वाहिगुरु। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी का ट्रेलर आउट हो गया है। जी हाँ, 21 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होनी है और इसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसका टीजर जब रिलीज हुआ था तो फैंस ने काफी पसंद किया था और अब ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। अब इंतजार है 21 दिसंबर का, जब शाहरुख खान की ये फिल्म रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि ये फिल्म चार दोस्तों की कहानी है। इसमें और क्या कुछ खास है ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूं। आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर। मैं बुगु लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। साते नाम वाहिगुरु। शाहरुख खान के अपकमिंग फिल्म डंकी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो फुल टाइम मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। इन सभी को एक दिन लंदन जाकर बड़ा आदमी बनना है। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर आपको थ्री इडियट की याद आएगी। फिल्म में तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर लीड रोल में है। यह फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि शाहरुख खान ट्रेन के गेट पर खड़े होकर कहते हैं कि ये कहानी मैंने शुरू की थी, इसे खत्म भी मैं करूंगा। डंकी का ट्रेलर देखकर आपको यह समझ आ जाएगा कि ये एक यात्रा की कहानी है जिसमें चार दोस्त हैं और उनकी पागलपन वाली दोस्ती के मजेदार किस्से। कई बार आपको इस फिल्म का ट्रेलर देखकर लगेगा कि यह आपकी कहानी से मिलती जुलती है। ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस काफी मजेदार ट्वीट कर रहे हैं। शाहरुख खान इस वक्त फॉर्म में है और उनके फैंस को डंकी से काफी उम्मीदें हैं। इसके ड्रॉप 4 का सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों को पसंद आ रहा है कि राजकुमार हिरानी ने इसमें सारे इमोशंस कवर करने की कोशिश की है। इस ट्रेलर में रोमांस, कॉमेडी, इमोशंस के साथ एक्शन भी दिखा है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें कमियां भी दिख रही है। मुन्ना भाई, MBBS, थ्री इडियट्स और पीकू जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी वह पहली बार शाहरुख खान के साथ किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। मूवी में शाहरुख खान के दो लुक्स है। ड्रॉप 4 में शाहरुख ने स्टोरी नरेट की है। शाहरुख खान पहले यंग हार्डी के रोल में दिखते हैं। इसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल सहित दूसरे एक्टर्स से उनकी केमिस्ट्री दिखाई जाती है। इस पार्ट में फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई गई है जिसमें प्यार, दोस्ती, कॉमेडी और फिर इमोशंस है। इसके बाद शाहरुख खान हरदयाल सिंह ढिल्लन के लुक में दिखेंगे। इसमें शाहरुख उम्र दराज है। यहाँ उन्हें कुछ एक्शन सीन्स करते हुए दिखाया गया है जहाँ फिल्म सीरियस टर्न लेगी। मूवी में मातृभाषा, देशभक्ति का तड़का ऐड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल खबरीलाल। तो जैसा कि आपने देखा कि 21 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होनी है, ट्रेलर में हमने देखा कि चार दोस्तों की ये कहानी है जो कि लंदन जाना चाहते हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर यात्रा को दिखाया गया है। शाहरुख खान के दो लुक इसमें नज़र आए हैं। पहला लुक वो हार्डी यंग लुक में नजर आ रहे हैं तो दूसरा काफी उम्र दराज के। इस फिल्म में काफी इमोशंस है, कॉमेडी है, रोमांस है, यहाँ तक कि एक्शन भी है और देशभक्ति भी इसमें दर्शवाई गई है। फिलहाल पूरी की पूरी जो कहानी है ये तो 21 दिसंबर को ही पता चलेगी, लेकिन इससे पहले जो ट्रेलर आउट हुआ है इसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। चार दोस्तों की कहानी पर बनी ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस फिल्म को लोग कितना पसंद करते हैं। जिस तरीके से टीजर और ट्रेलर को जो फैंस का प्यार मिला है, क्या इतना प्यार वे इस फिल्म को दे पाएंगे? बॉक्स ऑफिस पर कितना धूम मचवाती है ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।